फिल्म स्टार्स का ये सच है कि वाकई बहुत क्रेज होता है। अगर फिल्म स्टार उनको एयरपोर्ट पे मिल गया या किसी फंक्शन में मिल गया तो उनको लगता है जल्दी से मिल लो, चिपट लो, फोटो खिंचा लो, नहीं तो निकल जाएगा। फिर वो भले ही उस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, किसी की मैयत में कंधा देने आया हो। अभी एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरी, वहां मैंने देखा सलमान खान कंधा लगाए हुए थे, पीछे से झोपड़पट्टी से लोग पीछे से चिल्ला के कॉमेंट्स, उनको तो एक ही मतलब है, हीरो से मिलना और देखना। एक कंधा लगाए पीछे से आए, ए सलमान ऐश्वर्या किधर है? ए संजय दत्त बॉडी दिखा बॉडी। ए संजय संजू किशोर कुमार साहब गुजरे थे तो पीछे बालकनी के पीछे जो पब्लिक घुस नहीं पा रही थी वो क्या बातें कर रहे थे दीवार के पीछे लड़के लोग, देख 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 बॉडी काला पड़ गया बुरा। बॉडी काला क्या गाता था भाई अपने टाइम पे, चिंगारी कोई भड़की है वो पगुंगरुमान इसका आवाज है। ये कौन कंधा दे रहा है, ये कौन बॉडी को ला रहा है भाई, है बड़ा एक तो बड़ा भाई है ना अशोक कुमार, ये कौन है? ये भी भाई रहे बीच का, ये है अभी तक? ओह गॉड। अच्छा घर में कोई एक आता तो सब लोग आते ना फिल्म लाइन में, शादी भी चार किया ना ये स्टार लोग शादी बहुत करते उनके अपने कमेंट चल रहे थे। अभी एक बहुत बड़ी फिल्मी हस्ती गुजरी सांताक्रूज में, शमशान ग्रह है वो फिल्म स्टार पॉलिटिशियन वहां, तो वहां मैंने देखा लोगों की बातें, उनको एक ही क्रेज फिल्म स्टार से मिलने का। एक करेक्टर आया मेरे बोलता है क्यों मैं भाई, क्यों मैं कोई गया क्या भाई, भाई कोई गया, कौन गया भाई? महेश खन्ना गुजरे, महेश खन्ना गया कभी कभी कभी, कल गुजरे कल, शी अरे यार कल ही मेरे मेहमान लोग वापस गए। यही अगर कल हो जाता था ना भाई तो सबसे मिला देता था आराम से, और वैसे भी एक दिन वो जिंदा रह के क्या किया होगा। अच्छा भाई नवंबर का क्या प्रोग्राम है फिल्मी दुनिया का, नवंबर का नहीं मतलब कोई बीमार वगैरह आपके हिसाब से, क्योंकि नवंबर मेरे बहन के बच्चे लोग वापस आ रहे हैं, उनको हीरो लोगों के साथ मिलने का बहुत शौक है, मतलब नवंबर में कोई आपके हिसाब से बीमार वगैरह रहेगा क्या यार, मरने की बात का मजाक बना रहा है उसमें क्या है, तुम लोग डायलॉग में बोलते हैं ना शो मस्ट गो ऑन, फिर अपने आंख पे आता तो भड़कते क्या, एक आइडिया से मतलब कोई बीमार वगैरह यार ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक ही हंगल का तबियत बराबर नहीं, उसका नाम मत ले, 3 साल से धोखा दे रहा मेरे को। मैं तो शमशान करके बाजू में जानबूझ के घर ले लिया है, 3 लाख रुपए जास्ती भी दिया है, एक तो आसपास जितने हीरो लोग हीरोइन का कुछ होता है ना इधर ही लेके आते हैं, और दूसरा इधर बहुत फायदा है, इतना बॉडी जलाते मेरे घर में एक मच्छर नहीं, और मैं तो शमशान करके वॉचमैन से बना के रखे लाए, कोई जाता है वो पहले हम लोग बोल के आता है, उसको बीड़ी सिगरेट कभी कभी हम लोग दे देते भाई। अभी भाई बीच में क्या हुआ भाई, 5 बरस पहले अमजद खान गुजरे ना भाई, हम लोग इधर बिंदास में नहा धो के कपड़ा वपड़ा पहन के ना कैमरे में रोल डाल के शमशान ग्रह में पहुंच गए, उधर आगे जाके बैठ गए, तभी भाई मेरा माथा टनका, अरे उधर अमजद खान है कब्रिस्तान में जाएगा। बाद में मेरे को कब्रिस्तान में लेके गया भाई, उधर बच्चन बैठा था अकेला एकदम, बच्चन बैठा था बराबर, मैं उसका फोटो वोटो निकाला भाई, कोई नहीं था सुमड़ी में, वो फोटो ले जाकर गांव में बड़ी करके लगाया, गांव वाले फोटो देख के क्या बोलते, इनका हीरो हीरोइन के साथ जीने मरने का साथ है। वो हिसाब से भाई मैं तो भाई शमशान के बाजू में भी लॉजिंग बोर्डिंग भी डालने वाला हूँ, बहुत चलेगा भाई। और मेरा छोटा भाई ना फिल्म लाइन में ट्राई कर रहा है, मैं बोला यश चोपड़ा किसी का ऑफिस जाने का नहीं, ये लोग मिलते नहीं, इधर शमशान के आजू बाजू घूमते रहने का, कुछ ऐसा होएगा अंदर जाके बिंदास मिलने का, कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं रहता, कोई फोर्स नहीं रहता, बिंदास मिलने का। अभी भाई ऐसा हो गया था ना, महेश भट्ट उधर बैठे लेता, महेश भट्ट को मेरे भाई ने उधर एल्बम वगैरह बायोडाटा वगैरह दिखाया, उधर साइनिंग होने वाला था, जिनके घर में मरे थे ना उनके घर वालों ने रोना स्टार्ट कर दिया, एक्चुअली मेरे भाई का उधर ही कैंसिल हो गया कसम से। अच्छा भाई निकलता हूँ, आपका शमशान को कोई भी काम रहेगा मेरे को फोन करना, मैं रेडी करूंगा।